हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर गंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो हम आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ध्यान रखिएगा कि जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ मैच नहीं करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। किसी भी चीज़ को ना फोर्सफुली अपने सिचुएशन से मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स नहीं, हम एनर्जी देख रहे हैं सबसे पहले तो। ओके, लेट्स सी। पिटी, सबसे पहला जो एनर्जी आया है वो पिटी का है। व्हाट मोर डू वी हैव? लस्टफुल। अफ्रेड। डिस्पोंडेंट। फ्री। एंड द लास्ट वन इज डिटोर्ड। एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है इनडिसाइसिव का। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करते हैं ताकि मैं और क्लियरली आपको बता सकूं। एक पहली नज़र में अगर देखा जाए ना, कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ समझाने की या कुछ एक अलग तरीके से, यू नो, एक स्पेसिफिक तरीके से दर्शाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से। मैं आपको बताती हूँ जो भी है। पिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज पिटी हियर? द सन। ओके, एक मिनट गाइस, रुक जाइए ज़रा। देखिए, पता है मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको अभी जैसे बोला कि ये पर्सन कुछ ऐसा शो करना चाह रहे हैं आपको जो दे डोंट मीन दैट। ठीक है, जैसे आप ये एनर्जी देखो, दोनों एनर्जीज़ काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। ओके, यहाँ पे सैड एनर्जी दिखा रहे हैं, सॉरी सैड फील कर रहे हैं, लेकिन दिखा क्या रहे हैं? एज इफ दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एन्जॉइंग एंड ऑल अबाउट दैट। लेकिन लुक हाउ डिफरेंट, यू नो, कितना डिफरेंस है, कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स निकल के आए हैं। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर वेरी, यू नो, काफ़ी ट्रबल्ड है ये पर्सन। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, इट्स ट्रबलिंग देम अ लॉट ऑन इमोशनल लेवल, बट वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। ओके, इट्स लाइक वो अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश है, एंड वो आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कि वो खुश है। ओके, सी बॉटम डेक में क्या कार्ड है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सफरिंग, एंड मैंने अभी बात करी सफरिंग की। ओके, दे आर नॉट वेरी वेल। ओके, दे आर नॉट वेरी वेल राइट नाउ, बट वो आपको दिखा रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि दे आर रियलाइजिंग कि यू आर देयर हैप्पीनेस, आप उनकी खुशी हो। ओके, लस्टफुल की एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दिस माइट बी अ लिटिल टू मच किसी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड टू यू। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। इतने अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, इतने पैशनेट है, इतना टेरिटोरियल आपके लिए फील कर रहे हैं ना। एंड दिस लस्टफुल एनर्जी ऑल्सो, दे वॉन्ट टू हैव, यू नो, गुस्से वाला प्यार, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, लाइक एंग्री सेक्स और समथिंग लाइक दैट। दे वॉन्ट टू, वो आप पे कंट्रोल पाना चाह रहे हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो, आपको टेम डाउन करना चाह रहे हैं, यू नो। सो या दे आर लस्टफुल बट इन एन एंग्री वे, लाइक वो गुस्से से अपना लस्ट शो करना चाहते हैं आपको। सो मुझे नहीं पता आपको समझ आया है या नहीं, एंग्री सेक्स आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्या है ये टर्म, लेकिन दे वॉन्ट टू गेट एन होल्ड ऑन यू। ठीक है, एक इनकी जो एक आपको लेकर ऑब्सेशन है ना, ये काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए से लग रहे हैं, बिकॉज वो समझेगा हमें कार्ड के थ्रू।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स. सी क्या हो रहा है ना कि जो भी पास्ट में इन्होंने किया है विथ यू, इट्स हॉन्टिंग देम. जो बोला है, जो डिसीजंस लिए, जो भी किया आपके साथ इस पर्सन ने, ओवरऑल इट्स हॉन्टिंग देम. ओके, इट्स लाइक सी, देख रहे हो, ये एक शैडो है विच इज़ हॉन्टिंग दिस पर्सन. ओके, और ये शैडो क्या है, इनके पास्ट के एक्शंस. ओके, कुछ तो पास्ट में इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें करी है जो सही नहीं थी, एंड नाउ इट्स गेटिंग ऑन टू देम. ठीक है, बॉटम डेक में भी यहाँ पे देख रहे हो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. गर्व में आके, प्राइडफुल एनर्जी में आके, ईगो के चलते इस पर्सन ने बहुत बुरा किया विथ यू इन द पास्ट, एंड नाउ एंड दे लुक बैक, दे रिग्रेट इट. ओके, देखिए क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन बहुत होपलेस हो गए हैं आपके रिलेशनशिप के केस में. उनको ऐसा लग रहा है कि यू नो, पता नहीं क्या ही होगा. दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स, दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. सैगिटेरियन एनर्जी है यहाँ पे, ये लियो एनर्जी है विद द सन कार्ड, सिंह राशि, और ये धनु राशि है. दे आर नॉट वेरी होपफुल कि कुछ सही हो पाएगा. दे हैव लॉस्ट होप कि रिश्ता कभी यू नो ठीक हो भी पाएगा. ओके, और ये उनके वजह से ही है. ओके, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे कदम उठाए विच इज़ लीडिंग टू दिस होपलेसनेस. ओके, बट स्टिल होप्स हो ना हो, दे आर गोइंग टू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विथ यू. व्हाई इज दिस फ्री एनर्जी? और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री कर लिया है. इट्स लाइक आप अपने पाथ को आपने चुन लिया है, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो. दिस इज टॉरस एनर्जी विद दिस एम्प्रेस वृषभ राशि. आपने अपना पाथ चुन लिया है, आपने अपना डायरेक्शन चुन लिया है, एंड वो इस पर्सन को वो चीज़ बहुत हॉन्ट कर रही है. इट्स हॉन्टिंग देम. ओके, एंड सी क्या हो रहा है ना, आपने इस पर्सन से मूव फेर लिया है, एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. ओके, उनको ऐसा लगा था कि आप रोओगे, नीडी बनोगे, पीछे भागोगे, यू नो क्या कर ही सकते हो, क्या ही कर सकते हो आप उनके सिवा. बट यू हैव प्रूव देम रॉन्ग. यू आपने सेल्फ लव शुरू किया, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को अपनी तरफ इनडायरेक्ट, अनइंटेंशनली. ओके, देखिए उन्हें लग रहा है कि जैसे ये जो रास्ता है ना, ये अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है. ओके, दिस पेन, दिस हर्ट इज़ नेवर एंडिंग. ओके, बॉटम डेक में यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स. तो क्या हुआ ना, इस पर्सन ने डेफिनेटली डायरेक्शन लूज़ कर दिया. एक डायरेक्शन उन्हें तकलीफ़ की तरफ ले जा रहा था, पेन की तरफ ले जा रहा था, अकेलेपन की तरफ ले जा रहा था. एक रास्ता उन्हें ले जा रहा था विश फुलफिलमेंट की तरफ, जो कि आप थे, आपका प्यार था, आपका ट्रस्ट था, बट दे चोज द रॉन्ग पाथ. ओके, सो इट्स लाइक कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत डायरेक्शन चुना, एंड ऑल्सो दे टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम टूवर्ड्स यू. ओके, मे बी दूर हो गया है, सॉरी मे बी देर हो गया है, ऐसा इनको लग रहा है इस पर्सन को. ओके, एंड दे नॉट एबल टू डिसाइड. ये पर्सन सिर खुजा रहे अपना, देख रहे हो यहाँ पे, बिकॉज दे नॉट एबल टू डिसाइड. ओके, दे नॉट नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन. सी कन्फ्यूज, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देन दे वेरी कन्फ्यूज. आज की एनर्जी कल की एनर्जी की तरह ही आई. आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा. नहीं समझ पा रहे ये पर्सन कि उन्हें क्या करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वॉट, नेक्स्ट वॉट, ऐसी एनर्जी है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट ट्रूथ, डीप फीलिंग्स, इमोशंस क्या है. ओके, फॉल्स बिलीव्स मूविंग फॉरवर्ड. एंड जो आखिरी कार्ड यहाँ पे है वो है द अननोन का. बॉटम डेक में यहाँ पे वॉइस है. कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ मैं, लेट्स सी. फॉल्स बिलीव्स की हुए डिवाइन, प्लीज गाइड करें. व्हाई इज दिस फॉल्स बिलीफ हियर? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन ने जब आपसे दूरी बनाई या दूर जा रहे थे, इनको लगा था कि वो खुश रह पाएंगे. दे आर गोइंग टूवर्ड्स द कामर वाटर्स, यू नो अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं. डेफिनेटली उन्हें भी हर्ट हो रहा था, एंड आपको भी काफ़ी हर्ट किया इस पर्सन ने उस प्रोसेस में. लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैं रह पाऊँगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं मूव ऑन कर लूँगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर इंसान खुशी की तलाश में जाता तो है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन. बॉटम डेक में यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है. दे वर रॉन्ग. उनके डिसीजंस, उनका थॉट प्रोसेस,
का सोच विचार सब कुछ गलत था. डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी गलत फहमियों में थे ये पर्सन. एट ऑफ स्वर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट मिसकंसेप्शंस. ओके, सी दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू. भले ही देखिए उन्हें लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, मे बी हो पाएगी मे बी नहीं हो पाएगी, ठीक है, बट स्टिल दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. ओके, जैसे पता नहीं मुझे वो नौकरी मिल पाएगी या नहीं, बट मुझे वो लाइक वो इंटरव्यू देनी है. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एक एनर्जी है इस पर्सन की, कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, वो मुझसे बात करेगा या नहीं, बट मुझे बात करनी है. फोर ऑफ वॉन्ट्स, दे वॉन्ट स्टेबिलिटी विथ यू. ओके, दो दे नॉट श्योर कि आप क्या चाहते हो. डेफिनेटली ये पर्सन अब एक ऐसे दरवाजे पे आके रुके हैं जहाँ पे आप एक नए पर्सन बन चुके हो. यू आर एन एम्प्रेस. ओके, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, यू आर वर्किंग ऑन योर हीलिंग. आप काफ़ी मुझे अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो. ओके, सो दे विल बी कमिंग बैक टू समवन जिसे वो अब नहीं पहचानते, समवन हु इज़ वेरी स्ट्रांग, समवन हु इज़ वेरी सेल्फ केयरिंग पे ध्यान है जिसका. ठीक है, सी लवर्स दे आर कमिंग बैक टू यू, बट दे विल सी द न्यू यू. ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे चैरियट है. आई सी दैम कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, फिर भी वो आपके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं. ओके, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये कौन है, ये कौन नया पर्सन है, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्यूटिफुल. बट दैट इज़ वेन यू नो स्टिल दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू. वॉइस की एनर्जी क्यों है, दे वॉन्ट टू सी दैट दे लव यू. वो एक्सेप्ट करना चाहते बिना डरे कि वो आपसे प्यार करते हैं. दे वॉन्ट टू टेक स्टैंड. ओके, दे डोंट वॉन्ट टू यू नो, अगर फ्लर्ट भी करना चाहते खुल्लम खुल्ला, प्यार करना चाहते खुल्लम खुल्ला, सो दे डोंट वॉन्ट टू हाइड एनीथिंग नाउ. इट्स हाई टाइम कि वो एक्सेप्ट करे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, वट एवर दे हैव फॉर यू. ओके, आपके पर्सन आप क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं. लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं. ओके, पहला ही मैसेज आया है, मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ, तब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया. सी आई टोल्ड यू, उन्हें लगा कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट दे डिडंट. ओके, अब मेरी आंखें खुल चुकी है. मैंने बोला ना, कुछ भ्रम है जो टूट चुके हैं इस पर्सन के. हर हाल मेरे, हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं. प्लीज़ तुम अपने दिल दिमाग में मुझे लेकर कोई गलत फहमी मत रखना. मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या और कैसे करूं. सब कुछ सह सकता हूं पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं. कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये मैं समझ गया हूं. और आखिरी जो मैसेज है, जब अकेला हुआ तब तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझ आई. एंड बॉटम डेक में इस वक्त है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था. ओके, सो दैट वाज इट. आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी. हुई होगी तो हुई होगी, नहीं हुई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस.